अथ एते श्रुति जानन। हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कश्चन योगी मुहेति ना, कोई योगी मोहांधकार को नहीं पाता। तस्मात् अर्जुन सर्वेषु कालेषु, इस कारण हे अर्जुन, सभी कालों में योग्युक्तः भव, योग लगा। पार्थ एते श्रुति जानन कश्चन योगी मुहेति ना, तस्मात् अर्जुन सर्वेषु कालेषु योग्युक्तः भव। भावात्, हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोहांधकार को नहीं पाता। इस कारण हे अर्जुन, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में अर्जुन अर्थात आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। ये जो अज्ञानी चंद्रमा है, कृष्ण बच्चे की आत्मा, वो किसके प्रभाव में आ जाती है? अरे हाँ, कन्याओं माताओं के प्रभाव में आती है, परछाई में आती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। जो भूगोल के विद्यार्थी होंगे वो इस बात को जानते हैं कि धरणी माता रूपी पृथ्वी और ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की सोल, जब ज्ञान सूर्य बाप और धरणी माता के बीच में आ जाता है तो धरणी वासियों को चंद्रमा क्या वो परछाया पड़ता है धरणी पर, वो धरणी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, तो वो समझते हैं सूर्य अंधेरे में आ गया। अरे सूर्य कभी अंधेरे में आ सकता है? हैं? जो चंद्रमा के प्रभाव में आ गई धरणी माता, उनको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बाकी ऐसे नहीं है कि सूर्य कभी अंधेरा हो जाता, ऐसे ही चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर और पृथ्वी का अंधियारा चंद्रमा पर पड़ता है, तो चंद्रमा का वो भाग अंधेरा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के परछाई में आ गया ना, जब परछाई में आ जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि संपूर्ण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, अमावस्या जैसी रात हो जाती है। ये सही बात है क्या कि पृथ्वी वासियों को चंद्रमा कैसा दिखाई देता? अंधेरा दिखाई देता, और परछावे में आता भी है। कन्याओं माताओं का प्रभाव ज्ञान चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, जैसे कुमारका दैत्य जैसी ब्रह्मा कुमारियों का प्रभाव ब्रह्मा के ऊपर पड़ता था या नहीं पड़ता था? नहीं पड़ता था, पड़ता था। तो चंद्रमा प्रभाव से प्रभावित हो जाता है, कभी बच्चे के प्रभाव से माता प्रभावित हो जाती, कभी माता के प्रभाव से बच्चा प्रभावित हो जाता, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी अंधकार का ग्रहण लगता ही नहीं, वो तो सदैव ज्ञान में रहता है। सूर्यवंशी शिरोमणि है,
रघुवंश शिरोमणि राम को कहा जाता है। वो राम वाली आत्मा सूर्यवंशियों में शिरोमणि है, तो सूर्य अंधेरे में नहीं आता, तो सूर्यवंशी अंधेरे में आएंगे नहीं आ सकते, और संगम युग में तो अंधेरे में आने की बात ही नहीं। लेकिन नंबर बार तो है, कोई 100% उजाले में रहता है, कोई परसेंटेज में उजाले में रहते हैं, कोई पर्व कोई परसेंटेज अंधेरे का नहीं आता, हर परिस्थिति में हर माहौल में हर व्यक्तियों के बीच हर प्रकार के संगठन के बीच में रहते हुए वो राम वाली आत्मा कैसी नहीं होती है? हाँ, अज्ञान के अंधेरे में आकर के मौज से अलग नहीं हो सकती। जो महावाक्य है, संगम युग है मौजों का युग या दुखी होने का युग, तो कोई आत्मा तो होनी चाहिए रंगमंच पर संगम शूटिंग पीरियड में, जो सदैव मौज में रहती हो, कैसे भी अज्ञान का माहौल हो उसको ज्ञान बल से कैसा बना दे, रोशनी वाला बना दे। अभी तुम जानते हो कि रात से तुम दिन में जा रहे हो, पहले ब्रह्मा दिन में जाए फिर तुम ब्राह्मण बच्चे भी दिन में जाओ, तो ब्रह्मा की रात से ब्रह्मा को दिन में ले जाने वाला कौन? कोई तो प्रैक्टिकल में चाहिए। ये वो ही हो सकता है जिसको अभी बोला एक परमात्मा ही सबकी सदगति करते हैं। जो सबकी सदगति करते हैं उसका कारण क्या हुआ कि वो आत्मा एक बार ज्ञान में पक्का हो जाने के बाद फिर कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती, इसलिए जो कभी भी जन्मण के चक्र में नहीं आती बेहद में, वो ही दूसरों की सती गति और सदगति कर सकती है। तो ब्रह्मा की रात को दिन बनाने वाला प्रैक्टिकल में एक ही है जिसे कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम। याद आने से अंतमते सुगति हो जाती, तो याद का इतना प्रभाव है, याद करो मुझे। लेकिन कैसे याद करेंगे और कौन याद करेंगे? वो ही याद करेंगे जिन्होंने 63 जन्मों में उसका प्रैक्टिकल जीवन में शरीर के साथ इंद्रियों के साथ ज्यादा संग किया होगा, उनको ज्यादा याद आएगा या दूसरों को ज्यादा याद आएगा? है उन्हीं को ज्यादा याद है। और उन्हीं को ज्यादा क्यों याद आता है? क्योंकि शूटिंग काल में रिकॉर्डिंग के समय में इस रंगमंच के ड्रामा के रिहर्सल के समय में संगम युग में जिन आत्माओं ने उसको पहचाना होगा, किसको? साकार में उस निराकार को पहचाना होगा जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, 63 जन्मों में भी कायम रहता है, और पहचान करके उसका प्रैक्टिकल में संग का रंग लिया होगा।